आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो कि बजाज की तरफ से एक न्यू बाइक लॉन्च होने वाली है हमारी इंडिया के मार्केट में, बजाज पल्सर 125 FBS6। तो आपको मैं बता दूं जो कि आपको इंडिया मार्केट में आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। और बजाज इंडिया की मार्केट में जो उसकी अदर्स गाड़ी हैं उसको भी 125 के इंजन में लॉन्च करेगा। और रिसेंट ही बजाज ने इंडिया की मार्केट में अपने नया मॉडल लॉन्च किया जो कि बजाज पल्सर NS125 CC की गाड़ी है, तो वो भी जो है बहुत ज़्यादा हिट चल रही है। एंड बजाज जो है अब जो 125 की सीसी इंजन के ऊपर ज़्यादा फोकस करेगा क्योंकि हाल ही में इंडिया के जो पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं उसे ही देखते हुए बजाज ने डिसाइड किया कि आपको जल्दी आने वाले वक्त में आपको जो नया मॉडल है 125 CC में आपको देखने को मिल जाएगा बजाज की गाड़ियाँ। एंड जो है जो अदर कंपनी है वो भी इस चीज़ में फोकस कर रही है कि 125 के आपको कम से कम जो अच्छे माइलेज वाले आपको वहाँ पर गाड़ी प्रोवाइड की जाए। अब जो बात करते हैं पल्सर 125 F के ऊपर बात करते हैं, नए आपको सबसे पहले BS6 इंजन के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो इसका जो लुक होगा, सबसे पहले आपको जो लुक होगा 220 F की ही लेटे आपको सिमिलर आपको लुक देखने को मिल जाएगा। इट मीन जो लुक में है कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, आपको लुक यहाँ पर बिल्कुल सेम दिया जाएगा जैसे पल्सर 225 हमारा F होता है इसमें 125। एंड जैसे कि आपको पता है जब बजाज ने NS125 लॉन्च किया था जो इसका इंजन था बजाज ने वो चेंज किया था, बट यहाँ पर जब 125 F लॉन्च किया जाएगा जो इसका इंजन आपको 125 न्योन में देखने को मिलता है वही आपको 125 F में ही देखने को मिलेगा। सेम आपको यहाँ पर इंजन देखने को मिलेगा बट जो इसका गाड़ी का प्राइस होगा वो आपको वो डिफरेंट देखने को मिलेगा 220 F से। बट पल्सर इन 125 एंड 225 F के लुक्स में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किएगा, आपको 125 F में ही वही लुक देखने को मिल जाएगा जो कि 220 F में है। एंड बात करते हैं आपको 125 में फ्रंट की साइड जो आपको देखने को मिल जाएगा, आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, बट आपको जो 125 के ही सीसी के मॉडल के हिसाब से आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा, बट उसके साथ जो आपको फ्रंट की साइड है आपको फ्रंट की साइड आपको जो है डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगी। बहुत ही कम चांस है कि यहाँ पर आपको ABS देखने को मिलेगा क्योंकि ABS से जो गाड़ी की प्राइस बढ़ जाती है। 125 की F में आपको फ्रंट की साइड में जो आपको हेडलाइट देखने को मिलेगा आपको सेम आपको हैलोजन बल्ब देखने को मिल जाएंगे, जो साइड नेगेटर्स है वो आपको वो LED देखने को मिल जाएंगे, बट आपको जो बैक साइड की टेल लाइट आपको आपको वो LED ही देखने को मिल। एंड उसके बाद जो बात करें जो बाइक का आपको टैंक देखने को मिलेगा सिमिलर आपको टैंक 220 F का ही देखने को मिल जाएगा। उसके साथ जो आपको सीट मिलेगी यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाएगी, इट मीन्स आपको जो सीट है वो आपको कटिंग का नहीं मिल जाएगी, ये अच्छी बात है। एंड साथ में जो आपको फ्रंट साइड का जो आपको देखने को मिल जाएगा अलॉय वो आपको 17 इंच का देखने को मिल जाएगा। एंड टायर सेक्शन जो आपको बैक साइड का रेयर है वो आपको 17 इंच का अलॉय देखने को मिल जाएगा। एंड जो आपको रेयर जो ब्रेक मिलेगी वो आपको ड्रम देखने को मिल जाएगी, बहुत ही रेयर चांस है कि वहाँ पर आपको डिस्क देखने को मिल जाए। एंड बात करें जब 125 F CC जब लॉन्च किया जाएगा तो इसका जो इंजन आपको कितनी माइलेज देगा, तो इंजन आपको यहाँ पर आराम से सिटी में आपको 60 किलोमीटर की पर लीटर की माइलेज दे देगा। एंड जब आप हाईवे में होगे उस वहाँ पर आपको वो और भी अच्छा माइलेज देखने को मिल जाए। एंड यहाँ पर आपको सिंपल सी बात समझाता हूँ, जो आपको गाड़ी मिलेगी 125 F आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएगी, बट फर्क यहाँ पर रहेगा उसमें आपको 125 का इंजन देखने को मिल जाएगा। लुक्स एंड डिज़ाइन एंड कम्फर्टेबल आपको सेम आपको 220 F का ही देखने को मिल जाएगा। एंड अब बात करते हैं कि 125 F में आपको कौन कौन से कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, बट उससे पहले आपको बताऊं कि जब 220 F में आपको जो कलर्स एंड ग्राफिक्स देखने को मिलते हैं सेम आपको 125 F में देखने को मिल जाएंगे ग्राफिक्स एंड कलर्स। बट यहां पर यह बात है कि आपको एक नया कलर देखने को मिल जाएगा 125 F में, क्योंकि यहां पर इससे आपको पता लग जाएगा कि 125 F एक नया मॉडल लॉन्च हुआ है। ये अभी पता नहीं मुझे कौन सा कलर आपको नया देखने को मिलेगा क्या ग्राफिक्स में देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर एक न्यूज़ निकल रखी है कि आपको एक नया कलर देखने को मिल जाएगा 125 F में। एंड जो आप बात करते हैं कि आपको ये बाइक कब मिल जाएगी इंडिया की मार्केट में, तो मैं बता दूं जो जल्दी हमारे आगे फेस्टिवल आने वाले हैं तो आपको ये बाइक तब ये लॉन्चिंग होगी, बट आपको बता दूं जो इसका अभी प्राइस है तो 1 लाख से नीचे ही होने वाला है, क्योंकि जहाँ पर आपको 125 सिंपल नियॉन एंड स्प्लिट सीट आपको एक शोरूम 80-85 पड़ जाते हैं, यहाँ पर आपको जो है 125 F पल्सर है वो आपको एक्स शोरूम प्राइस 90-95 मिल जाएगा। ये जो प्राइस अभी के लिए कंफर्म नहीं है, बट मैं अपनी तरफ से बताऊंगा जब इंडिया मार्केट में ये बाइक्स गाड़ियाँ जो लॉन्च करी जाएगी तब इसका प्राइस आई थिंक सो अराउंड इसके ही आसपास होगा। एंड जो प्राइस डिफरेंट होता है आपको पता ही है हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, नहीं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड आपको बता दूं फटाफट से हमारे 1K की फैमिली कंप्लीट करा दो,
आप सभी का ही प्यार है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग कब वन की फैमिली कंप्लीट करोगे एंड उसके बाद जो आपके लिए अच्छा सा सरप्राइज रखेंगे। एंड मिलता हूँ आपको ऐसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो पे, तब चलिए गुड बाय।